हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का एक और बेहद ही खूबसूरत ब्लॉग में जो कि दिल्ली के राष्ट्रपति भवन के अमृत उद्यान का है। ये जगह बेहद ही खूबसूरत है गाइस। आज ले चलते हैं आपको इसके एक वर्चुअल टूर पर। और हाँ, अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक जरूर करें। सबसे नज़दीकी जो मेट्रो स्टेशन है वो सेंट्रल सेक्रेटरीट है, यहाँ पे भी हम पहुँच चुके हैं। और आगे चलकर देखते हैं, गेट नंबर 4 पे DMRC ने अनाउंस किया था कि उन्होंने फ्री शटल सर्विस स्टार्ट करी है, तो वो भी देख चलकर देखते हैं कि फ्री शटल सर्विस चल रही है या नहीं। यहाँ से ऑटो से भी जा सकते हैं आप, चल के देखते हैं यार गेट पे। तो यार गाइस, अभी हम सेंट्रल सेक्रेटरीट गेट नंबर 4 पे बाहर निकल चुके हैं और यहाँ से शेयरिंग ऑटो जो वगैरह भी जाती हैं 20-20 रुपये में आपको अमृत उद्यान पहुँचा देंगे। एंड सामने आप देख सकते हैं, और ये फ्री शटल भी यहाँ से अवेलेबल है अमृत उद्यान के लिए, बस खड़ी है, ये फ्री सर्विस जाती है जो कि आपको वहाँ तक लेके जाएगी राष्ट्रपति भवन तक। तो चलते हैं यार, देखते हैं वहाँ पर अभी क्या चल रहा है। सो गाइस, ये फ्री शटल सर्विस है जिससे अभी हम उतरे हैं यहाँ पे, और आप देख सकते हो ये गेट हमारे सामने एंट्री गेट है, यहीं से एंट्री होती है। ये जो राष्ट्रपति भवन का अमृत उद्यान है, ये साल भर में 1 महीने या 2 महीने के लिए मैक्स ओपन होता है, तो अभी ओपन है और 31 मार्च तक ओपन रहेगा, 2 महीने के लिए, काफ़ी दिन के बाद एक साथ ओपन हुआ है। सामने अगर ऑफलाइन टिकट लेना चाहें तो यहाँ पर आपको टिकट वगैरह मिल जाएंगे आगे, और मैंने ऑनलाइन किया है। ऑनलाइन टिकट बुक करने का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, और साथ साथ में कैसे बुक करते हैं उसका स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी अभी वीडियो में आगे मैं शेयर कर दे रहा हूँ। तो चलते हैं यार अंदर देखते हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल जगह है ये, अंदर चल के देखते हैं और आपको भी दिखाते हैं। तो भी आप देख सकते हैं सामने टिकट चेक करने का है, यहाँ से चेकिंग करा के सामने आपको बैगेज वगैरह रखवा देते हैं, बैग अंदर ले जाना अलाउड नहीं है, पानी की बोतल वगैरह है, मोबाइल फ़ोन वगैरह ले जा सकते हो। तो टिकट चेक करा के और बैग वगैरह जमा करके फिर अंदर चलते हैं। सो गाइस, हमने एंट्री कर लिया, आप देख सकते हैं यहाँ पे अभी ये स्टार्टिंग है, और मौसम भी बहुत बढ़िया हो रहा है, पीने का पानी वगैरह स्टार्टिंग में ही मिल जाएगा आपको यहीं पर, देख सकते हैं आप ये छोटे छोटे स्टोन से कितनी अच्छी सजावट की गई है। गाइस, ये अमृत उद्यान की वाल वाटिका है, देख सकते हैं आप, अभी ये करंटली पिछली बार ओपन था, अभी ये तो बंद है, मे भी कुछ काम वगैरह चल रहा होगा। बाकी आपको यहाँ फर्स्ट एड सर्विस वगैरह भी मिल जाएगी, अगर कोई प्रॉब्लम होती है, किसी को तबीयत वगैरह ख़राब हो जाती है तो मेडिसिन वगैरह यहाँ पे ले सकते हैं, और सिक्योरिटी के काफ़ी अच्छे इंतजाम किए गए हैं यहाँ पे। यार सबसे पहले ये ट्यूलिप गार्डन पर जाता है राष्ट्रपति भवन का, आप ये देख सकते हैं एक बहुत बड़ा सा ट्यूलिप गार्डन, और काफ़ी अच्छे फ्लावर्स आ चुके हैं इस टाइम पर, और बहुत ही सुंदर लग रहा है यार। आपको थोड़ा सा पास से दिखाने की कोशिश करता हूँ, गाय यहाँ राष्ट्रपति भवन में जैसा मैं देख पा रहा हूँ कम से कम 15 से 20 वेराइटीज़ के ट्यूलिप्स आपको दिख जाएंगे, जो काफ़ी सुंदर लग रहे हैं, और लोग यहाँ पे सेल्फ़ी वगैरह ले रहे हैं, तो काफ़ी अच्छी जगह है सेल्फ़ी पॉइंट के लिए भी, फ़ोटो वगैरह के खिंचाने के लिए। और अभी काफ़ी सारे में फूल आ भी रहे हैं और आ भी गए हैं पहले से ही। एंड गाइस, ये ट्यूलिप गार्डन से ही सटा हुआ है, यहाँ पे कई सारे पेड़ वगैरह मिल जाएंगे आपको, पीपल के, बरगद के, जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव भी लगते हैं, और गर्मियों के दिनों में काफ़ी अच्छा छाया भी यहाँ पे रहती है। और पेड़ों के उस पार आप देख सकते हो जो कि म्यूज़िक फाउंटेन वगैरह हैं, वहाँ पे भी चल के आपको दिखाता हूँ। और म्यूज़िक फाउंटेन के बगल में ही राष्ट्रपति भवन का मेन प्रांगण आपको दिखेगा, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ, तो वीडियो में आप बने रहें।
गाइस ये है बोंजाई गार्डन यहाँ का, यहाँ पे जो औषधियों के पेड़ हैं मैक्सिमम वो लगे हुए हैं और बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से इसे डिजाइन भी किया गया है, आप देख सकते हो। ये बहुत बड़ा नहीं, छोटा सा ही है, बट बहुत ही सुंदर तरीके से इसे डिजाइन किया गया है बोंजाई गार्डन में। और गाइस ये यहाँ का म्यूजिकल फाउंटेन है जो कि रात के टाइम और भी बेहतर लगता है। और सामने देख सकते हो जो गेट दिख रहा है सामने, वो राष्ट्रपति भवन का मेन प्रांगण है। तो ये म्यूजिक फाउंटेन के मज़े लेते हुए फिर उस साइड चलते हैं, आपको दिखाते हैं मेन प्रांगण। तो यार ये देख सकते हैं म्यूजिक फाउंटेन के जस्ट पीछे अगर आप देख सको तो ये आपको इंद्रधनुष दिख रहा होगा, रेनबो 7 कलर्स पीछे, बहुत ही सुंदर बन रहा है। और यहाँ से एंट्री करते ही आप देख सकते हो सामने आपका राष्ट्रपति भवन, और काफ़ी ज़्यादा भीड़ है और वीकेंड पे तो काफ़ी और ज़्यादा ही भीड़ हो जाती है, आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत है। और आप देख सकते हैं गाइस कितना खूबसूरत व्यू आ रहा है यहाँ से। और यहाँ पर भी फूल पौधे काफ़ी सारे लगाए हुए हैं, सिक्योरिटी भी काफ़ी अच्छी सिक्योरिटी की व्यवस्था है। देख सकते हो सामने राष्ट्रपति भवन का मेन अपना राष्ट्रपति भवन दिख रहा है और वेरी ब्यूटीफुल। यहाँ पे जब भी आते हैं आप ट्राई करें मॉर्निंग टाइम पे आ जाएं, 10 से 11 बजे के आसपास या 12 बजे तक, शाम के टाइम जैसे जैसे शाम होती जाती है भीड़ काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है यहाँ पे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्लावर्स से ये मैट बनी हुई है जो कि देखने में काफ़ी सुंदर लग रही है, फूलों से बनी हुई है। और ये मेन प्रांगण है राष्ट्रपति भवन का, आप देख सकते हैं सामने। इसका जो एंट्री है ये बैक साइड है, एंट्री इसके अपोजिट साइड से होती है। ये जो उद्यान है अमृत उद्यान है बैक साइड में ही है सारा, आप देख सकते हैं। और ये देख सकते हो गाइस यहाँ पे कैक्टस वगैरह के पेड़ लगाए हुए हैं, काफ़ी ब्यूटीफुल तरीके से इसे डेकोरेट भी किया गया है। आगे भी आपको यहाँ पे रोज़ गार्डन भी यहाँ का दिख जाएगा, वहाँ पे भी बहुत सारे वैरायटीज़ के रोज़ भी अवेलेबल हैं, इसके जस्ट नेक्स्ट ही आपको दिखाता हूँ। और ये गाइस आप देख सकते हैं यहाँ का रोज़ गार्डन, कितनी सारी वैरायटीज़ यहाँ पे अवेलेबल हैं, बहुत ही सारी वैरायटीज़ अवेलेबल मिल जाएंगी चारों तरफ रोज़ की। रोज़ गार्डन भी यार बहुत बड़े एरिया में बना हुआ है, और अप्रॉक्सीमेटली अगर मैं बात करूँ तो कम से कम तो नहीं 30 से 40 वैरायटीज़ के यहाँ पे रोज़ अवेलेबल होंगे। ये देखिए गाइस यहाँ पे हमने सर्कुलर गार्डन है, ये भी देखने में बहुत ही खूबसूरत है यार। और ये गाइस सर्कुलर गार्डन है जो कि काफ़ी सारे वैरायटीज के फ्लावर्स लगे हैं चारों तरफ, और बीच में एक खूबसूरत सा फाउंटेन भी है। और रात के टाइम में या शाम के टाइम में 8 बजे तक ओपन रहता है, तो शाम के टाइम जब भी होता थोड़ा सा अंधेरा होता है, लाइट्स वगैरह ऑन हो जाती है, काफ़ी ज़्यादा बेहद ही आकर्षक लगता है, बहुत ही अट्रैक्टिव पॉइंट ये भी है अगर आप राष्ट्रपति भवन घूमने आते हो। और एक सर्कुलर गार्डन से बाहर निकलते ही फूड कोर्ट आपको दिख जाएगा, और यहाँ पर आप खा पी सकते हैं। अंदर चल के देखते हैं क्या है फूड कोर्ट में। और ये है गाइस फूड कोर्ट विविधता का अमृत महोत्सव, देख सकते हैं फूड कोर्ट भी है यहाँ पे, और यहाँ पे कुछ स्टॉल्स भी लगे हैं, यहाँ पे कुछ प्रोग्राम्स भी वगैरह होते हैं, कल्चरल प्रोग्राम्स वगैरह भी होते हैं अलग अलग स्टेट के। ये मेघालय के एक्चुअली कुछ प्रोडक्ट्स वगैरह हैं जो यहाँ पर सेल होते हैं, मेघालय है सामने, मणिपुर दिख रहा है, और काफ़ी बड़ा सा बना है इस बार ये। पहले इससे पहले जो अमृत महोत्सव होते थे जब ये ओपन होता था उस टाइम पे ये सारा कुछ नहीं होता था, बट अभी ये स्टार्ट हो गया है। मिजोरम है, नागालैंड है, सिक्किम है, अलग अलग स्टेट्स के लगे हुए हैं स्टॉल्स, तो चल के देखते हैं क्या है इनमें।
और गाय जो देख सकते हैं यहाँ पे कल्चरल प्रोग्राम्स वगैरह भी होते हैं और अभी स्टार्ट ही होने वाला है। काफी सारे लोग चेयर्स पे बैठ गए हैं। ये बांस की है सारी 200 रुपीज फॉर वन। ओके दीज आर मेड फ्रॉम बम्बू राइट। ओके मस्जिद है यहाँ पे। यहाँ पे भी आप वीडियो वगैरह बना सकते हैं, फोटो वगैरह बना सकते हैं, आप देख सकते हैं। बहुत ही सुंदर आ रहा है यहाँ पे। एंड ये भी गाइज कुछ नया है, लाइव डेमो, तो इसमें भी चल के देखते हैं क्या है लाइव डेमो में क्या क्या है। एंड ये टुकड़ा से आप यहाँ पे देख सकते हैं, हाथों से शॉल बना रहे हैं और बने बनाए हुए भी रखे हुए हैं सामने। यहाँ पर भी बेसिकली जो यहाँ के प्रोडक्ट्स हैं कैसे बनाए जाते हैं उन सबका लाइव डेमो है। आप देख सकते हो ये बम्बूज हैं, बम्बू से बनाए जाते हैं सारे प्रोडक्ट और कॉटन से धागे बनाए जा रहे हैं लाइव। आप देख सकते हैं ये कॉटन्स है और कॉटन से हाथ से बनाए जाने वाले ये धागे हैं और इन्हीं धागों से जो बनाए जाते हैं प्रोडक्ट्स वगैरह ये भी आप देख सकते हैं। तो सारा सब कुछ यहाँ पे लाइव दिखाया जा रहा है, लाइव डेमो है और यहाँ पे सारी चीज़ें आप देख सकते हैं कैसे क्या बनाने का प्रोसीजर क्या रहता है इनका। और साथ साथ यहाँ पे आप इन्हें बाय भी कर सकते हैं, ख़रीद भी सकते हैं अलग अलग स्टॉल्स में जाके, या यहाँ से भी अगर आप ख़रीदना चाहेंगे तो डेफिनेटली ख़रीद सकते हैं। और ये देख सकते हैं आप ये भी लकड़ी के बने हुए हैं जो प्रोडक्ट्स हाथ से ही बनाए गए हैं और अभी कुछ बन गए हैं, कुछ बना रहे हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल है, सुंदर। और ये मिट्टी के छोटे छोटे बर्तन जो बनते हैं काफ़ी सुंदर ब्यूटीफुल, आप देख सकते हैं प्रोसीजर। और अब आपको ले चलते हैं फूड कोर्ट की तरफ। देख सकते हैं फूड कोर्ट, किड्स प्ले जोन और वाशरूम इस साइड हैं। तो ये मैं आपको दिखाता हूँ, मेरे सामने आप देख सकते हैं फूड कोर्ट बना हुआ है। यहाँ पे भी अलग अलग स्टेट्स के आपको टेस्ट मिल जाएंगे, यहाँ पे खा सकते हो अलग अलग वैरायटी के प्रोडक्ट्स। यहाँ फूड कोर्ट में गाइस अगर मैं देखूँ मेनली जो है अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, आसाम और नागालैंड के स्टॉल्स लगे हुए हैं। तो अभी गाइस घूम के हम लोग यहाँ पे आ गए हैं जहाँ कल्चरल प्रोग्राम्स वगैरह होते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे तैयारी हो रही है, अभी थोड़ी देर में स्टार्ट हो जाएगा, दिखाते हैं आपको उसकी भी एक झलक। सो गाइस अभी हमने एग्जिट कर लिया है यहाँ से और बैग वगैरह लेते हैं फिर चलते हैं यार, प्रोग्राम वगैरह देख के एग्जिट कर लिया है। जब भी आप प्लान बनाते हैं ट्राई करो, अगर मॉर्निंग के टाइम पे आओ अगर भीड़ भाड़ आपको नहीं पसंद है, अदरवाइज़ शाम को आ सकते हो, शाम को प्रोग्राम्स वगैरह भी देखने को मिलेंगे। सो मिलते हैं किसी और नए वीडियो में यार, तब तक के लिए जय हिंद।